प्रमोशन मिक्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पहला टॉपिक। ठीक है, प्रोडक्ट अभी हमने नया नया बनाया तो उस टाइम हो सकता है कि प्रमोशन मिक्स की हमको अलग टेक्निक यूज करनी पड़े। प्रोडक्ट हमारा मार्केट में चल पड़ा है, दो चार साल के बाद हो सकता है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट से काम चल पड़े। 10 साल के बाद भी हमारा प्रोडक्ट चल रहा है तो हो सकता है कि हमको प्रमोशन की और कोई टेक्निक यूज करनी पड़े। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेज के ऊपर खड़ा है। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमको प्रमोशन करना पड़ता है। फिर प्रोडक्ट का टाइप, प्रोडक्ट अगर आपको लगता है कि कभी कभार सेल होता है तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन करना पड़े। प्रोडक्ट अगर आपको लगता है कि डेली रूटीन में सेल होने वाला है तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग तरह का प्रमोशन करना पड़े। कुछ प्रोडक्ट आपके होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट, कुछ होते हैं स्पेशल प्रोडक्ट, कुछ होते हैं आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं खरीदे जाते, कुछ प्रोडक्ट बहुत महंगे वाले होते हैं, कुछ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, तो आप हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह की प्रमोशन को यूज करने वाले हो। ठीक है,